ग्रीन लाइन एक्सप्रेस का पांचवा पार्ट, वेलकम टू साइट्स एंड साउंड्स ऑफ पाकिस्तान। हम जा रहे हैं बहावलपुर। जी हाँ, टिकट भी चेक कराना पड़ता है, यू कांट ट्रेवल विदाउट टिकट। ये टिकट आया है तकरीबन 5,670 रुपीस वन वे फ्रॉम कराची टू रावलपिंडी। मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको कभी मेरा वीडियो मिस ना करना पड़े। अगर किसी के पास टिकट ना हो क्या करते हैं? टिकट ना हो तो क्या उसके साथ क्या सलूक होता है? उसकी दूसरी टिकट बनती है। अगर उसके पास पैसे ना हो तो फिर पैसे नहीं होगा कैसे घर से निकलेगा? नहीं नहीं, हो सकता है ना, ये क्रिकेट टिकट इसमें अलाउ ही नहीं है। अच्छा, अलाउ ही नहीं है। नहीं, अगर कोई आ गया तो फिर क्रिकेट टिकट गाड़ी में चढ़ ही नहीं सकता। अच्छा, चढ़ नहीं सकते। गेट पे गाड़ी टिकट चेक करके फिर छोड़ते। अच्छा अच्छा, नहीं हमारा तो किसी ने चेक नहीं किया। वैसे पता है आपको, किसी ने चेक नहीं किया अंदर आने। खड़े थे बंदे? नहीं, किसी ने चेक नहीं किया। वैसे चेकिंग नहीं हुई ना? बंदे तो गेट पे खड़े थे टिकट। हाँ, लेकिन किसी ने चेक नहीं किया सीरियसली। H1 वाला वो ये यहाँ से जो है ना वो बाहर। भावलपुर लिखा आता था यार यहाँ पे, कहीं लिखा हुआ है, लिखा होता था यहाँ पे भावलपुर। अच्छा, हटा दिए लिखा हुआ है। वो सामने लिखा हुआ है। आपका नाम? पहलवान। पहलवान, अच्छा अच्छा। हाँ, क्या हाल है यार? ठीक ठाक ठीक ठाक। तो कैसे लगा आपको ग्रीन लाइन एक्सप्रेस में? ग्रीन लाइन में सफर तो अच्छा है। अच्छा। लेकिन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरह से नहीं है। कैसे फिर, क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और कैसे यार, नहीं? बिजनेस क्लास, आई डोंट थिंक इट्स डिजर्व टू बी कॉल्ड बिजनेस क्लास। अच्छा, बिजनेस क्लास नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अच्छा अच्छा, बताए ना, एक केबिन में छह छह बंदों को घुसाया हुआ है। अच्छा अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं, फैमिली बन गए हम तो। नहीं, हम तो बन गए, लेकिन वैसे यूजली होना नहीं चाहिए। अच्छा। आप बैठ नहीं सकते अपने बर्थ पे, तो अच्छा। मेरा नहीं ख्याल कि ये ठीक है इस तरह। और सपोज कि अगर वो चार बंदे डाल दें। हाँ। और प्राइस इंक्रीज कर दें फिर? प्राइस मेरे ख्याल में अभी भी इंक्रीज ही है। अच्छा, ज़्यादा है फिर। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि फीमेल्स के लिए अलग से होना चाहिए, क्योंकि जिन फीमेल्स के साथ
जेंट्स नहीं होते तो उनके लिए दूसरे मर्दों के साथ एक ही केबिन में रखना मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा अनएथिकल भी है। और तो यही है, सजेशन तो बहुत है। होपफुली कि हमारे नए जो मिनिस्टर साहब है, ये आपका पहला सफ़र था? एक्चुअली ये मेरा सेकंड था। अच्छा, दोबारा करेंगे आप? हाँ करेंगे तो सही क्योंकि इसमें ये है कि आपको बहुत से एरियाज जो हैं वो देखने को मिलते हैं, आप बैठ के अपने मतलब मुख्तलिफ कल्चर को आप इंजॉय कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें मुख्तलिफ इलाकों से लोग बिल्कुल आप इंटरेक्शन हो जाता है, लोग मिलते हैं। दिस इज भावलपुर स्टेशन। 2 मिनट यहाँ पे ट्रेन रुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और मेरी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और ऑफ कोर्स कमेंट्स देके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कितना अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियोस को पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।